अस्सलाम वालेकुम। साइफर केस के हवाले से बड़ी न्यूज़ आ रही है। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की बुरी ज़मानतों के बाद आज शाह महमूद कुरैशी को जब रिहा किया गया तो उन्हें दोबारा से गिरफ़्तार किया गया है। गिरफ्तारी जो जब गिरफ्तारी उनके अमल में लाई गई तो पुलिस का कहना है कि उनको 9 मई के वाक़ात के सिलसिले में गिरफ़्तार किया गया है। शाह महमूद कुरैशी को एक बार फिर से गिरफ़्तार किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया नुमाइंदगान और के साथ बात करते हुए कहा कि जो पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन हमारे साथ हो रही है ये आप सब देख रहे हैं कि किस तरह एक सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तो शाह महमूद कुरैशी को आप देख सकते हैं कि वो बात भी कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी को दोबारा से गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब कप्तान इमरान खान की भी तो जो साइफर केस में ज़मानत है वो भी मंजूर हो चुकी है, लेकिन अब वो उन पे तोशाखाना का जो केस है वो चल रहा है। तोशाखाना में उनको एक बार ज़मानत मिली हुई थी लेकिन उनकी ज़मानत फिर कैंसिल हो गई थी। अभी फिर तोशाखाना में उनकी ज़मानत होनी है, लेकिन अगर इमरान खान फिर रिहा हो जाते हैं शायद उन्हें भी 9 मई के वाक़ियात में एक बार फिर से गिरफ़्तार कर लिया जाए तो ये काम हो सकता है इमरान।